अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल DIY क्राफ्टीनिया। आज हम जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं अपनी वीडियो में, वो एक ब्रूम स्टिक आर्ट है, जो जिसमें हमने पिस्ता शेल्स भी इस्तेमाल किए हैं और ब्रूम स्टिक के साथ हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल चाहिए होगी ये ब्रूम स्टिक्स। जितनी आपको स्टिक्स बनानी हैं, जितनी ब्रांचेज आपको बनानी हैं, आप उतनी स्टिक्स ले लीजिए और उनको ऊपर से जो पतली वाली साइड होती है उसमें थोड़ा सा आप उसको कट कर दें। यहाँ पर मैंने पेपर्स के कुछ पीसेस लिए हैं और वाइट ग्लू से उनको इसके टॉप पर इसको पेस्ट करना शुरू कर दिया है। पेपर पे वाइट ग्लू लगाते जाएं और ऊपर पेस्ट करते जाएं और तकरीबन 5 इंचेस का हमने इसको ऊपर थोड़ा सा इसकी स्टफिंग तैयार कर लेनी है, जिससे ये ब्रांच जो है बहुत अच्छी बनेगी। और ये पिस्ता शेल्स ले लिए हैं, हॉट ग्लू से इस पर थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाते जाएंगे। पहले एक पिस्ता लगाएं, उसके सामने दूसरा शेल लगा दें और जहां गैप होगा वहां पे तीसरा और दूसरे गैप में चौथा। इसी तरीके से जहां जहां गैप्स होंगे वहां पे हमें इस तरह से पिस्ता शेल्स लगाने हैं। एक शेल के पीछे दूसरा शेल नहीं लगाएंगे, अल्टरनेट लगाएंगे। इस तरह से हम सारे शेल्स जो हैं, जितना हमने पेपर तैयार किया है वहाँ पर हम ये इस तरह से शेल्स को आहिस्ता आहिस्ता ग्लू गन की मदद से पेस्ट करते जाएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत ब्रांच बनेगी। और अगर आपके पास डबल टेप है तो आप पेपर की जगह वो डबल टेप भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एंड में आकर इसको उल्टा करके और फिर नीचे से 2-3 शेल्स और लगा लें। अब हम ये दूसरा रेडी कर रहे हैं ब्रांच और इस ब्रांच पे हमने पेपर टेप लगाया है। अच्छा, यहाँ अब इसको ब्रूम स्टिक को कवर करने के लिए इस तरह से हम ये ग्रीन टेप इस पर पेस्ट करते जाएंगे, जो वन ब्रांचेस के लिए स्टेशनरी पे मिल जाता है। ये ऑरेंज ग्रे कलर लिया है हमने, इसको हम दोनों ब्रांचेस पर, दोनों पिस्ता शेल्स जो रेडी किए हैं उन पर हम दोनों प्रोजेक्ट्स पर ये एक कलर पहले बेस कोट लगा देंगे और एक के ऊपर हम कॉफ़ी कलर कर देंगे। दूसरे पर ये स्कारलेट शेड है, आप रेड कलर या कोई भी कलर इसके ऊपर मैरून कलर या हल्का सा शेड कर दें। और ये देखें, एक ब्रांच हमने ऑरेंज ग्रे छोड़ दी है ये वाली और दूसरी पे इसी ऑरेंज ग्रे के ऊपर हमने रेड कलर कर दिया था। अच्छा, अब ये मेटालिक टच देने के लिए हमने एंटी गोल्ड, एक शेड है मेटालिक, वो हमने इन दोनों ब्रांचेस पर एंटी गोल्ड कलर कर दिया है। एक्रेलिक शेड्स हैं ये, इजीली अवेलेबल हैं आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप पर और ये बहुत आसानी से बनने वाला प्रोजेक्ट है। आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हों तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई अपलोड होने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।